पाकिस्तान में चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की हालत सुधर जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद शहबाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन पाकिस्तान की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई फिर एक बार सारी सीमाओं को पार कर चुकी है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो कराची में एक किलो आटा 800 रुपए पाकिस्तानी रुपए का मिल रहा है, जबकि पहले ये 230 रुपए का मिलता था। इतना ही नहीं, भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में एक किलो आटे की कीमत 238 रुपए है। पाकिस्तान में एक रोटी की कीमत 25 रुपए से ज्यादा है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तान इस वक्त जबरदस्त महंगाई से जूझ रहा है। हालिया महीनों में यहाँ महंगाई दर 38% से ज्यादा हो गई है, जो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। खाद्य महंगाई दर भी पाकिस्तान में 48% से ज्यादा पहुंच गई है, जो 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। आपको बताएं तो हाल ही में पाकिस्तान के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पाकिस्तानी कारोबारियों ने साफ कहा था कि अब उनके लिए पाकिस्तान में व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तानी कारोबारियों ने भारत और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि पीएम मोदी की नीतियों की वजह से भारत हर रोज एक नई ऊंचाई को छू रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और सरकार की नीतियों की वजह से व्यापार करना भी एक मुश्किल भरा काम है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में खाने पीने से लेकर बिजली और गैस जैसी बुनियादी चीजों की कीमतें कई गुना तक बढ़ गई हैं। इसके मुताबिक शहरी इलाकों में एक साल में टमाटर 188%, प्याज 84%, सब्जियां 55%, मसाले 49%, शक्कर 37%, आलू 36%, आटा 32% और मीट 22% से ज्यादा महंगा हो गया है, जबकि गैस की कीमतें 319%, बिजली 73% और फर्नीचर 22%, किताबें 34% से ज्यादा महंगी हो गई हैं। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान पर लगातार बढ़ता कर्ज का बोझ है। पाक सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान में इमरान खान और सरकार के बीच जारी घमासान से लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए कुछ शर्तें रखी थी। इन शर्तों में से एक सब्सिडी को खत्म करना भी शामिल था। IMF की शर्त के कारण पाकिस्तान की सरकार ने सब्सिडी को भी खत्म कर दिया है, जिससे कि खाने पीने की चीजों से लेकर बुनियादी जरूरतें की चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। इसके अलावा एक साल में पाकिस्तान करेंसी भी 50% से ज्यादा कमजोर हुई है, इस कारण आयात महंगा हो गया है।